أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العلي العظيم برادراني ماني हमारी गुफ्तु का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी है कुछ गेब आया मुहरम अलहराम अय्या आजा और सफर सफ़रमर की वजह से और उसमें मजालिस का सिलसिला जारी रहा और अब दोबारा से हम दरस व तदरीस का सिलसिला शुरू कर रहे हैं इन मुस्तफ़ीद होंगे हमारी गुफ्तु चल रही थी तकलीद क़र और सुनत और सीरत हितरतम की रोशनी में क़न की आयात के, के जरिए से हम इसदल कर चुके हैं और अदादी के ज़रिए से भी इसदलाल मकम्मल हो चुके और सीरत हजरतम के अंदर और वो भी दरहकीक़त आईम इतारिमलम की अदीस है मासम्स की अदीस है या वो अफआल हैं जो उनके सामने अंजाम दिए गए और उन्होंने उस पर रिजायत का इजहार किया अर्ज हुआ सबका नशस्तों में से एक नशस्त में कि आलम के हबीब हज़रत महम्मद मुस्तफ़ा सल्ही वसम इंसानियत की हिदायत के लिए आलम इंसानियत को रश्द कमाल की तरफ ले जाने के लिए तकर्रब इलाही की तरफ इंसानों को बिलूम और बिलखसूस मुसलमानों को ले जाने के लिए एक मनहज एक कानून परवरदिगर आलम की तरफ से मुशत फरमाया उसी कानून का नाम दीन है इस्लाम है शरीयत है और उस क़ानून का जो सब्जेक्ट है वो कुरान है और क़ुरान को कुरान जो है मुफसर की और मदरस की तरफ़ मोहताज हैं और क़ुरान समझाने वाली जद खुद पैगम्बर ख़त मरबत सल्हुसम की जद हैं और उनके बारह जानशीन जिनको आपने नाम लेकर नस से के ज़रिए से आपने मंतखब फरमाया परिगार आलम के हुम से इसलिए कि हमारा नज़रिया हमारा अकीदा ये है कि रसूल ख़त मरतबा वसल्लम जो कुछ काम करते हैं या जो कवानीन बनाते हैं वो परवरदिगार आलम के हुक्म से और वही के ज़रिए से बनाते हैं और परवरदिगार आलम ख़ुद इरशाद फरमा रहा है कि वमात हुआ, हुआ वाह ये हवा व अपनी तबीयत और मिजाज के मुताबिक बात करने वाला मेरा पैगम्बर मेरा हबीब नहीं है बल्कि वो वाहिए इलाही के ज़रिए से गुफगू करता है यानी जो कानून मुरतब फरमा रहा है या जो काम अंजाम दे रहे हैं या फैलानजाम दे है, अपने जानशें का ऐलान कर रहे हैं बहरान जानशी का नाम लेकर मखसूस नस से शरी के जरिए से लोगों के ऊपर वाजह कर रहे हैं तो ये भी परदिगारम के हुकुम से हो रहा है ये निज़ाम है शरीयत एक निज़ाम है दीन एक निजाम है इस्लाम एक निज़ाम है इस निजाम की इत्तबा ज़रूरी है और इस निज़ाम को कयामत तक चलना है शर महमदिन मुतम इलाक़्याम यानी पैग़म्बर ख़दमी मरतबा सल वसल्लम की शरीयत कयामत तक के लिए है आखिरी शरीयत है और पैगम्बर की उम्मत आख़िरी उम्मत है तो लिहाजा ज़रूरी यह है कि जो निज़ाम पैगम्बर ख़त मरतबली वसम के ज़रिए से परवरदि आलम ने हमारी हिदायत के लिए हमारे कमाल के लिए हमारी कामयाबी के लिए हमारे रुश्त के लिए मुख्त फ़रमाया है उस निज़ाम के इतबा करें पैरवी करें पैगम्बर ख़बी मरतब सल्ला वसम खुद फरमा चुके कि मतदद शी सन्नी दोनों कुतुब में रवायत मौजूद हैं इन तारफ़ी को मक़्ल किताब अल्ला वायतरती अहल बैती मा इन तमस्क तुम भी हिमादलोबादा मैं तुम्हारे दरमियान दो ग्रा कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ एक ख़ुदावंद मताल की किताब कुर मजीद है और दूसरी चीज़ मेरी हितरत मेरे अहल बैद है अगर इन दोनों से जुड़े रहोगे इन दोनों के साथ मुतसिल रहोगे इन दोनों की पैरवी करोगे तो गमराही से बचोगे यानी गमराही से बचने का जरिया क़ुरान है और अहल बेद है तो लिहाजा ये पैगाम और ये मनहज और ये आ, रास्ता जो परवरदिगार आलम ने एक लाख चौबीस हज़ार अम्बिया के ज़रिए से बिलाख़स पैगम्बर ख़तनी मरतबा सल्ला वसम के ज़रिए से हमारी हिदायत के लिए मखसूस फरमाया है इस रास्ते को मस्तकम करना इस रास्ते के ऊपर अक़दता फ़्याला और जजमन इसका फ़ॉलोवर होना इसकी इतवा करना पैरवी करना यह हम सबकी ज़िम्मेदारी है इन इसी रास्ते के तसलसल में से एक रास्ता मरजाइत और विलायत फ़कीह है मरजाइत और विलायत फ़कीह जो है इसको जब तक हम समझेंगे नहीं इसकी जब तक हम इतवा नहीं करेंगे इसको सही तरीके से जब तक हम जिसकी मार्फत नहीं हासिल कर सकें करेंगे उस वक्त तक हम बेहतर तरीके से कामयाबी के मनाज तय नहीं कर सकते तो लिहाजा मरजाइत एक अहम जुज़ है विलायत फ़कीह एक अहम जुज़ है इस निज़ाम के तहत ज़िंदगी गुजरना इस निज़ाम के मुताबिक मुिकमल करना यह हम सब की ज़िम्मेदारी है उन्हीं अमाल में से एक तकली है जैसे कि सबका नशारज हुआ कोई भी मर्जा इस बात के कायल नहीं है कि एक बंदा अवला व वजाद वो तकलीद ही करे उसके लिए कोई और रास्ता बिल्कुल नहीं है बल्कि हर मर्ज़ा का ये फतवा मौजूद है कि वो सबसे पहली चीज़ जो बयान करते हैं कि इंसान को मोमिन को मुसलमान को मर्जा होना चाहिए तक यानी मुकलत नहीं मकलद होना चाहिए फ़ीर होना चाहिए यानी इस हद हाँ तक कुरान के ऊपर तदब्बर करें सुन्नत के ऊपर गौर करें और इजमा वक्ल के ऊपर इतना तदब्बर और इस तरीक़े से हावी हो जाए वो अपने मसले मसाइल को बराह रास्त कुरान सुन्नत के ज़रिए से मसले मसाइल को हल करें लेकिन हमारी मजबूरी है तकली मर्जा की तकली या मुशतहद की तकलीद वलायत फ़कीह की तकलीद, तकलीद यह हमारी मजबूरी है हम अपने अमाल को आलम के सामने उस नहज के मुताबिक क़ुरान और सुन्नत के नहज के मुताबिक चलाने के लिए किसी की तकलीद करते किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे होते हैं बल्कि ख़ुद उनका हमारे ऊपर एहसान है कि वो मुश्तद बने इतनी कोशिशें की इतनी काविशें की इतनी मुश्किल उन्होंने बर्दाशत की और उसके बाद वो मरजाइत पर फायज़ हुए और वह कर्नों सुन्नतों इजमा वकील और सीरत एतरतम था, के ज़रिए से वो फतवा देकर हमारे मसले मसाइल सॉल्व कर रहे हैं दर हकीकत उनका मुशतद बनना हमारे ऊपर एहसान है हमारा तकलीद करना उनके ऊपर एहसान नहीं है तो लिहाजा इस बात को समझने की ज़रूरत है कर्न की आयत मौजूद हैं अदादिस मौजूद हैं और इसी तरीके से सीरत एतरतम था, के अंदर बहुत सारे वाकआत मौजूद हैं जिसकी तरह जिसके अंदर ख़ुद मासूम उसकी तरफ मसले मसाइल को आ, यानी रजू करने का हुक्म देते थे कि फ़लाँ जोरारा तुम्हारे महल्ले में मौजूद है उससे क्यों नहीं पूछते अब्दुलरमान तुम्हारे यूनुसिमन अब्दुलरहमान तुम्हारे महल्ले में है उससे क्यों नहीं पूछते इतनी मसाफ़त मसाफतें करके मेरे पास क्यों आते हो ये क्या है तरबियत है लोगों को इमाम ज़माना अज्जलल्ला तरजह शरीफ की गैबत कोबरा के बाद लोगों की परेशानी दूर करने के लिए इमाम मोहम्मद सलाम इमाम जाफर सलाम के दौर से तरबियत शुरू हुई इसलिए कि उनको इल्म लदुन्नी के मालिक हैं वो वो जानते थे कि एक वक्त ऐसा आने वाला है जिस वक्त के अंदर लोग मासूम इमाम से महरूम होंगे मासूम इमाम गीबतः कुबरा के अंदर तशरीफ़ फरमा होंगे और ये भी जानते थे इमाम का गीबत में जाना लोगों की वजह से है ये लोगों के किरदार की वजह से लोगों के अदम लोगों के अदम तवज्जह की वजह से बेमाफत की वजह से वगरना इमाम को और खुदावंद मुताल भी नहीं चाहता ना इमाम चाहते हैं कि, कि वो परद में रहें तो लिहाजा ज़रूरी यह है कि इस निज़ाम को समझें इस निज़ाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें क़ुरान की आयत पर तदब्बर करें हजरतम की अहादिश के ऊपर तदब्बर करें ग़ौर करें और औररतम की सीरत के अंदर जहाँ जहाँ पर इमाम या याम आसूम अपने नुमाइंदे की तरफ लोगों को रजू करने का हुक्म दे रहा है उन चीज़ों को सही तरीके से देखें और उनकी मारिफत हासिल करें और तकलीद को समझें और तकलीद को फॉलो करने मुशत की इत्तबा करने उनकी पैरवी करने की कोशिश करें ताकि हमारे हमारी इबादत जो हम अंजाम दे रहे हैं और नमाज के फ़रआत नमाज के जो मसले मसाइल हैं वजू के मसले मसाइल हैं गुस्ल के मसले मसाइल हैं और इसी तरीके से रोज़े के मसले मसाइल हैं उन सब को हम बेहतर तरीके से हल कर सकें किसी मुझद की पैरवी करते हुए इसलिए कि हमारी मजबूरी है हम बर कुरान को न समझ सकते हैं सही तरीके से और न ही हम बराह कुरान और सुन्नत से अपने मसा मसल मसाइल का हल निकाल सकते हैं तो लिहाजा इस बात को जहन में रखिए तकलीद हमारी मजबूरी है तकलीद हम किसी के ऊपर एहसान करने के लिए हरगज़ नहीं अंजाम दे रहे होते नहीं कर रहे होते बल्कि उन लोगों का उन मुशतन का उन फोह किराम का हमारे ऊपर एहसान है कि उन्होंने इतनी मशक्क़्तें इतनी मुश्किल और इतनी मुसीबतें बर्दाश्त करके मरजाइत के उस अजीम तरीन मंजिल पर पहुँचे और वो कुरान सन्नत से इसलाल करकेत और, और सीरत रत इजमा वक़िल के ज़रिए से फतवा देते हैं और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करते हैं वगरना हम सब के ऊपर जैसे कि सबक़ नशस्तों में से एक नशस्त में अर्ज हुआ कि मुशतद बनना वाजिब किफ़ाई है यानी अगर एक भी मुशतद नहीं है तो मुआरे के हर फ़र्द के ऊपर वाजिब है कि वो क़ुरान में तखसस करें सुन्नत में तखस करें इजमा में तखसस करें औरल में तखस करेंदरत वसलम की सरत में तखस करें और मसल मसाइल को हल करने के लिए खुद इकदाम करे खुद मुश्तिद बने ये वाजिब है तय नहीं बन जगह हर एक के ऊपर। अब ये वाजिब किफाई है क्यों है माशरे के अंदर कुछ लोग मौजूद हैं यही काफ़ी है, है वाजिब किफाई का मतलब ये है तो लिहाजा उन्होंने एक वाजिब को हमसे साकित किया वो मुश्तिद बने उनका हमारे ऊपर एहसान है और एहसान को तस्लीम करते हुए कुरानो सुन्नत और सीरत इतरत की रोशनी में ज़िंदगी गुजारते हुए और क़ुरान सुन्नत और इज्मा वक़िल और, और इतरत की सीरत के ज़रिए से जो फ़तवा मुश्तिन अल्लाह ताला उनको तरक् इनायत फरमाएँ उनकी हिफाज़त फरमाएँ वो फ़तवा देते हैं उनकी फ़तवा के मुताबिक अमल करने की कोशिश करें परदिगारम से मेरे दुआ खुदांदा परिदारम सबको तेरी अबी और बंदगी में ज़िंदगी गुजारते हुए तेरे निज़ाम के इत करने की नात फरमा वो